कुछ था जो बहुत कुछ सिखा गया, वजह वो बने और हमें लिखना आ गया। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ हूँ और जहाँ तक मैं अपने आप को जानता हूँ तो मैं ना ही कोई शायर हूँ ना ही कोई पोएट हूँ, बट एक कोशिश कर रही है तो थोड़ा हौसला बढ़ाते रहना। ये एक कंसेप्चुअल क्रिएशन है जिसमें एक लड़का शायर बनना चाहता है और वो अभी एक शायर साहब के पास गया है शायरी सीखने के लिए। तो शायर साहब के जो सर्वेंट हैं वो उन्हें रोक रहे हैं कि पहले आप अपना इंट्रो दो, तब हम आपको अलाउ करेंगे अंदर जाने के लिए। तो वो लड़का कहता है कि वक्त की चादर सिमटी तो नया एक दौर आया है, वक्त की चादर सिमटी तो नया एक दौर आया है, क्योंकि हर चीज का एक दौर है और हर दौर की एक चीज है। वक्त की चादर सिमटी तो नया एक दौर आया है, कह दो उन उस्तादों से, कह दो उन फनकारों से, शायर नहीं है वो कोई और आया है। कोई ना माने करे ना यकीन तुम पर, कह देना होके एक आशिक इश्क में नाकाम आया है। मैं नहीं चाहता उसका नाम लूं, जर्रे जर्रे को उसके खिलाफ करूं। मेरी खुशहाली का फरिश्ता उसकी मकारी का पैगाम लाया है, शायद नहीं वो कोई और आया है। खुद को खुद से बाहर रख उसे मकाम में पनाह दी थी, अब तोड़ के सारे ख्वाब अपने कर नीलाम, अब वो मकाम आया है, शायर नहीं वो कोई और आया है। किए थे वादे, मांगी थी मन्नतें हर पीर मजार पर, हमको दिखा रास्ता वो चल पड़े अपने रास्ते, अब आगे का सफर पूछने एक परिंदा अनजान आया है। खुद को खुद से जुदा मैं समझने लगा था, हाँ खुद को एक पिता मैं समझने लगा था, करके दफन अपनी औलादे एक बदनसीब बाप आया है, शायद नहीं वो कोई और आया। वक्त की तन्हाई से जुदा तेरी रुसवाई से, अब तो आलम ये है कि डर जाता हूँ अपनी ही परछाई से। अब कराने इलाज, दर्द बेहद बदहाल आया है, शायद नहीं वो कोई और आया है। अब जो ये सर्वेंट साहब हैं, इनका भी लेवल आ चुका है, अभी शायर साहब के पास गए बताने की कौन आया है। तो सर्वेंट जी कहते हैं कि खो गया था एहसास में, पाने उसी की आस में। बेसिकली क्या होता है कि जो शायरी है ना, शायर की एक जिंदगी सेकंड फेज है उसकी लाइफ का। पहला फेज तो एक ये है कि जिसके अंदर वो बिखर जाता है, दूसरा फेज वो है जो समेटने का होता है। जैसे आप देखोगे कोई भी शायर बनता है या तो पेन है या तो प्यार है, या तो मतलब इन्हीं चीज से निकलता है। जैसे अगर हम बात करें, सूफी संतों ने इस चीज को इश्क इबादत कहा है, मीरा और राधा ने इस चीज को प्रेम कहा है, कबीर वाणी में इस चीज को प्रीति कहा गया है। तो मीरा जी का एक भजन ही है, शायद आप लोगों ने सुना हो, कि जो प्रेम गली गया ना हो वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने प्रीत लगाई ना हो वो प्रीत निभाना क्या जाने, मीरा है दीवानी मोहन की, ये जग बेगाना क्या जाने, और जिस दिल में उठा दर्द ना हो वो प्रीत पराई क्या जाने। तो बस ये दूसरी दुनिया। तो कहते हैं कि खो गया था एहसास में पाने उसी की आस में, छोड़ कर दुनिया अपनी वो, अब डूबने एक नए जहान आया है, शायद नहीं, तो आया है।